ओके फ्रेंड्स, सो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से CUCET 2019 की एग्ज़ाम जो है, ठीक है। CUCET का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप पूरे इंडिया की, ठीक है, 2009 के बाद जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू जाना होगा। आपको इसी साइट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और फिर आप उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप जा सकते हैं। तो मैं आपका टाइम व्यर्थ नहीं जान दूंगा। चलिए मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो जस्ट इधर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले एडमिशन नोटिस देखते हैं। तो वो एडमिशन नोटिस देखिए, आपको पेपर की कटिंग में इसी टाइप का नोटिस निकलता है, पेपर में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लास्ट डेट 20 अप्रैल, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम डेट इतना टू इतना मई, ठीक है, ये मई में है एग्ज़ाम, लास्ट डेट इसी अप्रैल में 20 तारीख तक होता है। इसका एग्ज़ाम इसी टाइम में अक्सर होता है। अब बता गया इसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है, कोर्स कौन कौन सा है। यूनिवर्सिटी में बता दूँ, आसाम यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। फिर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। फिर आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार, ये भी ये बिहार में है। तो आप इतनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा सकते हैं, इसमें आप MSc नहीं तो PhD कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग चलिए, ये तो नोटिफिकेशन देख लिए, आप भी देख सकते हैं। फिर इस पर आप, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन कीजिए आराम से इस पर। और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप नया स्टूडेंट है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो यहाँ क्लिक कीजिए, नहीं तो पुराने वाले उनको अप्लीकेशन ID एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉगिन करना होगा। चलिए हम लोग न्यू अप्लीकेशन है तो हम लोग इसके थ्रू जाते हैं। अब देखिए इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम कौन कौन सा, तो सॉरी, तो फिर हम लोग UG में जाते पहले। अब UG में जैसे आएंगे, UG करना या PG या PhD, या PhD भी है, MPhil भी है, तो कोई में जाके आप जैसे सेलेक्ट करना है उसमें डालिए और आप सबमिट कर दीजिए। फिर आपके आपको सेवेंट प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए, वो अगला स्टेप आते जाएगा, उसमें भरते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए अभी नहीं करूँगा, अगर बोलिएगा तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूँगा। फिलहाल मैं चलता हूँ इधर, कोर्स कौन कौन सा है इसमें। तो टेस्ट सेंटर पर छोड़िए, फीस स्ट्रक्चर, चलिए फीस स्ट्रक्चर में देखते हैं, उसी के थ्रू कोर्स हम लोग का पता चल जाएगा। सॉरी, इसमें फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 800 और 350, तो SC ST अप्लीकेशन एंड OBC जनरल के लिए 800 है, ठीक है। चलिए मैं फिर से आपको कोर्स में चलता हूँ, यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए, आने के बाद प्रोग्राम में चलिए। यूनिवर्सिटी तो हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है, आइए अब यहाँ पे जैसे आप UG कोर्स करना चाहते हैं, चलिए मैं PhD के लिए देख लेता हूँ, PhD करना चाहते हैं, अगर आप कहाँ से करना चाहते हैं तो इतना यूनिवर्सिटी है जिसमें PhD है, अब देख सकते हैं आप। अगर UG की मैं बात करूँ तो UG के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटी आ सकता है, लेकिन इतना ही यूनिवर्सिटी में PhD होता है इसके थ्रू, आप देख लीजिए। अगर इधर नीचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऐसे ऐसे करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल पंजाब वगैरह वगैरह करके ये सब टोटल दिया हुआ। मैं चलिए मैं किसी एक को देखता हूँ, अगर आपको, चलिए मैं बिहार वाले क्लिक करता हूँ, अगर आप
किसी भी एरिया से है जहाँ से करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कोर्स करके देख के देख सकते हैं। यहाँ पे अब आ गया आपको कौन सा एरिया में आप पीएचडी होता है वहाँ पे। अरे मैं बायोटेक्नोलॉजी देख लिया, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोग्राम कोड क्लिक हियर, एलिजिबिलिटी आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, विथ 55% इन एग्रीगेट या इट्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है 5 मार्क्स फ्रॉम इतना टू इतना सी एस टी, नहीं तो ओ बी सी नॉन क्रिमिनल डिफरेंस एबल्ड कैंडिडेट, ठीक है। ये सब आपको अगर आप ओ बी सी से है नहीं तो एस सी एस टी से है, ओ बी सी में भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका 5% छूट मिल सकता है। हो गया, आप इसी टाइप से किसी भी यूनिवर्सिटी के जाकर वहाँ पे आप किसी भी कोर्स पे जाइए और वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में मैं यहाँ पे क्लिक करके बता दूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अभी स्लो हो गया है साइट मेरा। आपकी यहाँ पे मैं फिर से आपको चलता हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा वो नेटवर्क की वजह से कट गया। CUCET आ गए, फिर यहाँ पे क्लिक करना फर्स्ट लिंक पे। अच्छा वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम्युनिटी स्टेज पे जाइए, फिर यहाँ पे ऐसे जाके प्रोग्राम पे जाइए और आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए। UG में कोर्स एक बार सर्च करता हूँ, UG में देखते हैं कौन कौन सा कोर्स है 10+2 के बाद। तो ये 10+2 के बाद में आपको इतना यूनिवर्सिटी दिख रही है, देख रहे ना यहाँ पे UG के लिए। तो ये सब यूनिवर्सिटी में आपको क्या मिलेगा, UG डिग्री मिल जाएगा। फिर अगर आप PG के लिए देख लीजिए एक बार, PG के लिए ये सारे यूनिवर्सिटियाँ मैं जो बता रहा हूँ। आइए मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसमें PG कौन कौन सा एरिया में है, आइए बायोटेक भी है PhD, तो MSc बायोटेक में जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ये शुरू हो गया, खुल के ओपन हो गया। अब यहाँ एलिजिबिलिटी देखते हैं, नहीं तो सिलेबस नहीं तो मॉडल टेस्ट पेपर, आपको जो भी देखना है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी तरफ से यहाँ पे क्लिक कीजिए हियर मॉडल टेस्ट पेपर, कौन से यूनिवर्सिटी में किस टाइप की एग्ज़ाम होता है वो सब आप देख सकते हैं इस पर डिटेल में आके। और ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, 800 रुपया लगा सकते हैं जनरल अगर आप है तो, नहीं तो OBC है तो, नहीं तो SC ST के लिए 300-350 रुपया लगेगा। तो इस टाइप से आप आकर इसे देख सकते हैं। मैं एक बार आपको ये मॉडल पेपर दिखा दूँ कैसा होता है, देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर जो भी है ये इसी टाइप से होता है MSc का। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइए। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, अभी कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।